भाई सतपाल सिंह जी इस इंटरव्यू तो बाद तुहाडे महकमे दे कुछ रिटायर्ड ते कुछ मौजूदा पुलिस अफसर के भी तुहानू फोन जरूर आए होणगे, उन्हां दा की सीगा विचार कि वाकई सतपाल सिंह तो सही किया ये गल करके कि जां तुहानू कोई हदायत सी भी तैनू अजे नहीं सी गल करनी चाहिए। पर दुख तो इतने यही होंगे ना भी जो डेरा प्रेमिया के धरने वेले साडे पुलिस अफसर के सट्टा भी लग जांदियां, एस एच ओ वाघा पुराना उदो प्रताप सिंह उन्होंने भी लगी सा, उस वेले तो कोई गोली नहीं चलाई गई जिते लोड़ सी, इतने तो कोई किसी पुलिस से गाली नहीं पे साडे किसी नूं, उन्होंने सानू माड़ी नहीं की, सानू तो उल्टा लंगर भी छकाउंदे रहे ने, साडी कौम दा फितरती है जे असीं सारीआं वीडियोज़ वेखीआं ने कि पुलिस वाले लंगर छक रहे आ उत्थे, साडी बदकिस्मती है भी असीं जिन्हां ने सानू लंगर छकाया असीं उन्हां दी गोलियां चला दित्तीआं। तुसीं गल सुन के हैरान तो जरूर होए होवोगे कि बादल सरकार वेले 2013 दे विच फिल्म दे पोस्टर की राखी लई इन्हां नूं तैनात किया जाता, उत्थे कुछ नौजवान उस पोस्टर के उत्ते रोड़े मारते हैं, उन्हां नूं गिरफ्तार करके धारा 295 के तहत केस पा के जेल भेज दिता जाता, कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बेअदबी हुंदी है ते कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जे अकाली फूला सिंह की अज असी इतिहास पढ़ते हैं तो जे असी अज उन्हां दा नाम लैने ना तो साडी सीना चौड़ा हुंदा भी साडी कौम कोले इहो जे जरनैल सी, मुगलां वेले भी किसी की जरूरत नहीं सी उन्हां वल झाक जाण, अंग्रेजां वेले किसी अकाल तख्त साहब दे जथेदार दे खिलाफ बोल जाण किसी की जरूरत नहीं पई, तो इत्थे इन्हां दी सरकार दे विच किहो जिहा हालात बन गए भी अकाल तख्त दे जथेदार दे पुतले बना के परकरमां दे विच खिच्चे जांदे आ ते मूँह ते छित्तर मारे जांदे। मैं जथेदारां नूं भी बेनती करदा भी अपना किरदार पछाणो। कुछ गल्लां बतौर पुलिस अफसर जिहड़ियां सानू जानकारियां मिलियां ने कि कई निर्दोष लोगों नूं तुसीं जेलां चों रिहा कराया, परचे खारज कराते भई ये बंदे निर्दोष ने और इस गल दे लई तुहानूं सीनियर अफसरां वल्लों एप्रीशिएट किया गया। PTN 24 चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों नूं मेरे वल्लों यानी बलविंदर सिंह पक्खो के वल्लों आप सब नूं फतेह प्रवान होवे जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज एक बारी फिर साढ़े नाल ने जी रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर सरदार सतपाल सिंह जी, जिन्हां ने गुरु साहब जी की बेअदबी के मामले के बड़ी बेबाकी ते बड़ी खुल दिली दे नाल एक सच बयान जिहड़ा कीता, पूरी दुनिया के विचों सानूं फोन कॉल्स आ रहे ने सरदार सतपाल सिंह जी नूं आ रहे ने, संगत का रिस्पोंस बड़ा पॉजिटिव आ, कमेंट्स के भी पता लग रहा कि एक ऐसा शख्स जिसने पुलिस की धारणा ही बदल के रख दी, क्योंकि PTN 24 चैनल के उत्ते साडा एक प्रोग्राम संघर्ष का सच चलता जिदे विच हमेशा असी पुलिस दीयां ज्यादतियां पुलिस अफसर दीयां होईयां वधीकियां ही विखाउने आ, पर एक ऐसा पुलिस अफसर जिसने अपने दो स्टार सब इंस्पैक्टर के अहुदे दे दो स्टार त्याग दिते भी जिहड़ी वर्दी गुरु साहिब लई इंसाफ नहीं कर सकी जां उहदे लई कुछ कम नहीं कर सकी, मैं ऐसी वर्दी की करनी आ, उन्होंने दो स्टार जरूर त्यागे ने पर वो खुद संगत दियां नज़रां दे विच एक स्टार बन गए ने, वो आप एक पूरे का पूरा स्टार बन गए ने। उन्हां नाल गल करदे आ कि उस इंटरव्यू तो बाद वो किवें फील करदे आ। सरदार सतपाल सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े PTN 24 सुनने वाले साढ़े स्रोते तो जो बगरा इतने बहबल कलां भाई सुखराज सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी लैके एक संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन्होंने भी सलाम करदा। तो एक बजुर्ग सरदार साधु सिंह जी जिन्होंने अपना पुत तो सुखराज सिंह जी ने अपना पिता इस संघर्ष के गवाया, उन्हों का तो घाटा असं पूरा कर ही नहीं सकते, उन्हों जो असी चेहरे देखते सी सानू अपने आप से भी शर्म आती सी भी असी किहो जी नौकरी कर रहे हैं जिहड़े असी अपने गुरु के नाल ही नहीं खड़ सकते। साढ़े तो गुरु साहब ने सानू यही सिखाया, यही पढ़ते हैं असी सभे सांझी वाल सदाइन कोई ना दसे बारा जियो, साढ़ा तो कंसैप्ट ही यह है भी तड़के उठ के अरदास हर एक पिंड जे दो गुरु घर है एक गुरु घर है
नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला ये कंसैप्ट होवे साडा। तो मैं कहना भी जे असी फिर भी इंसाफ नहीं लै सके जां साडे नाल नहीं कर रही सरकारां तो फिर ये विषय तो होर की मैं कह सकता। ये तो सच बोलना सीगा इस विषय तो बोल दिता, जिहड़ा कोई होर रह गया वह भी बोल देंगे। तो पर असी सरकार नूं हथ बन के बेनती करदा मैं मुख्यमंत्री साहब नूं भी तुसीं जिस दिन तुसीं अनाउंस होए हैं तो सब तो पहला मैसेज मैं किया भी सानूं साढ़े पंजाब दे लोगों की पसंद सरदार भगवंत सिंह मान चाहिए है, क्योंकि सानूं उन्हां ते बड़ियां ही उम्मीदां हैं, क्योंकि वह आम घर दे विच्चों साढ़े वर्गे घरां दे विच्चों उठ के गए आ। वह सिख भी ने ते एक जद्दोजहद भी उन्होंने आपकी जवानी च अपनी जिंदगी की है, वह भी बड़े वड्डे स्टार सी वह जिहियां चीज़ां नूं लत मार के पंजाब की सेवा दे विच आए आ। तो असीं उम्मीद करते हैं, मैनूं उम्मीद है कि वह करनगे, मेरी उन्होंने उम्मीद हजे तक तो कायम आ भी वह जरूर करनगे। सतपाल सिंह जी मैनू पूरी दुनिया चो फोन आए आ अपनी वो इंटरव्यू का बड़ा चर्चा हो रहा क्योंकि बड़े खतरनाक सच तो कुछ लोगों के खिलाफ जी गल गई आ, मतलब इतों तक कई ने भी कहा कि बलवंत सिंह अपना भी ख्याल रखो तो सतपाल सिंह जी ने भी कहा अपना ख्याल रखियो क्योंकि कौड़े सच कुछ लोगों हजम नहीं होंगे जिन्होंने राजनीति की आ जिन्होंने वो कार्रवाई नहीं कर दिती बतौर एक पुलिस अफसर तुम्हारे कभी डर आता है गल का? जे डरते होंगे तो फिर आते ही बोलते क्यों जी। तुम उदन मैं एक गल कह के गए सी भी दाढ़ी केस रखो, मैं भी महसूस किया मैं रखनी चाहिए है। मैं सरदार बलविंदर सिंह जी तुहाड़ी प्रेरणा दे सदका तो जिन्हें भी PTN 24 के स्रोते आ तो भाई सुखराज सिंह जी बैठे आ, सरदार साधु सिंह जी बैठे, जिन्नी भी होर साडिया सिख पंथ दियां नुमाइंदा जथेबंदियां असली नकली नहीं, मैं अज अपने आप नूं पंथ नूं समर्पित करदा जी। तो पंथ की खातर जे मेरा सिर जान चली जाती है तो मैनू कोई इहदा दुख नहीं है, जिहड़ी गोली वजी वह मेरी ही वजनी है। ठीक है, जो लिखिया दाणा पानी मुक गया तो कोई नहीं रोक सकता, तो डर के नहीं फिर यह जी गल ना ही डर के जो आया जाता हों, जे फिर डर ही गए फिर सिख कहते हैं, तो जे सिख आ तो फिर डर कहता। बड़ी वड्डी गल की है कि जे सिख आ तो फिर डर कहता, तो बहुत वधिया इन्होंने गल की। जिहड़े फोन कॉल्स आ रहे तुहानू विदेशों चों की लगता कोई एनर्जी दे रहे आ, कोई हौसला दे रहे आ? देखो जी हुण तक तो नौकरी जिहड़ी कीती सी आपदे परिवार की खातर, आपदे रिश्तेदारां की खातर, आपदे भाईचारे चलो हुंदा मान सम्मान वी साडा भरा थानेदार आ जी, साडा पुत थानेदार आ जी, पर जिहड़ा अज ये आ जिहड़ा ये मैं आपदी कौम की खातर ते आपदे पंथ की खातर आपदे इंसाफ लैण वाले वीरां की खातर खड़ा, तो मैनू एनर्जी क्यों ना आऊगी जी? जिते मेरा गुरु मेरे सिर ते है तो सदा ही एनर्जी है जी, कोई यह जी घबराहट नहीं हैगी, कोई गल नहीं, सच बोलांगे, इदों भी गांह भी बोलांगे खुल के। अजे अजे सरदार बलविंदर सिंह जी होर किरदार बड़े नंगे होने करांगे जी, कोई कहना भी मौका भी आ क्योंकि अज बैठे भी हाँ असं भाई सुखराज सिंह होना के इस स्थान पर जिते गुरु साहब के इंसाफ के लिए बैठे आ, तो तुम भी अज इत साढ़े सबब ना मुलाकात हो गई आ, तो बड़ी चंगी गल आ क्योंकि हैण विरले ना ही घने फैल फक्कड़ संसार गुरबाणी की पंक्ति है। तो मतलब महकमे के भी बड़े बड़े वधिया इंसाफ पसंद अफसर है ने, होर भी होणगे। तो दूजे अफसरों की अपील करते हो जिहड़े अज भी उत्थे ड्यूटी कर रहे हैं, या कल उन्होंने कोल भी इस गल की मौका हो सकता कि वह गुरु साहब की बेअदबी के मामले च इंसाफ करन? मैं तुहानू पहले ही बेनती की है भी साढ़े गुरु का तो सिद्धांत ही है भी सभ्य सांझी वाल सदायन, साडा तो गुरु साहब का सांझा है। तो मैं अज इस बगरा बहबल कलान की पवित्र धरती है साढ़े वास्ते, मैं इतों अपील करदा कि जे कोई साड़ी कोई कथनी या करनी जी कमी रह गई है साढ़े हिंदू वीर ने, साढ़े मुसलमान भरा, साढ़े ईसाई भाईचारा, असी किसी नूं भी माड़ा नहीं कहिंदे, असी हर एक धर्म का सत्कार करते हैं, असी उन्हां तों भी उम्मीद रखते हैं भी साड़ी झोली थोड़े अगे अड्डी आ, तो साड़ी झोली दे विच तुसी इंसाफ की जिहड़ी है खैर जरूर साढ़े नाल खड़ो, साढ़े नाल साढ़े गुरु की खातर खड़ो। जे साढ़े गुरु किसी वेले भी किसी कौम पर भीड़ बनी है, जे साढ़े गुरु साहिबाना ने अपने बच्चे अपने पिता तक वार दिते, तो अज मैं उन्हां वीरां नूं भी सनातनी वीरां नूं अपील करदा तो तुसी भी साडा इहदे विच साथ दिओ। वेखो असी यह नहीं कहिंदे कोई कट्टड़ता है जां कुछ है, असी पंजाब च रहिंदे हां, जो भी भाईचारा पंजाब दे विच वसदा असी सारयां तों ही उम्मीद करदे हां भी इस मसले ते पहलां भी बहुत साडा साथ उन्होंने दिता,
चलो मैं तो उदो उदू पहला जो भी धरने लगे है तो कई बार हो सकता कोई साड़ी किरदार दे विच कोई कमी साड़े लीडर दी च या साड़े आगुआ के किरदार दे विच कोई कमी रह गई होवे साथ देने वाली संगत की कदे कमी नहीं रही। तो मैं तो यही बेनती करदा भी साड़ी जिहड़ी नौजवानी है ना सिख कौम की वह सिर जोड़ के बैठे असी भला 71 होइए महीना साड़ा चले डेढ़ महीना चले साड़ा जिहड़ा साड़ा गुरबाणी का शब्द है भी मिलजुल के बैठो मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिव लाई ये मुताबक असी आपके धर्म के उत्ते चर्चा तो करिए ना साढ़े किहड़े लीडर का कित्थे किरदार माड़ा रहा। असी 1947 दे विच भी आपके सिख लीडर गालां कढ़ी जांदे आ 84 साडियां अखां दे सामने होया उस तो बाद साढ़े किहड़े किहड़े लीडर का की किरदार आ ये सिख जवानी जिहड़ी आ नौजवानी है जिहड़े नौजवान ही संघर्ष पलटदे हुंदे आ। ठीक है जी असी अपना अकाल तख्त साहब भी ढवा लिया असी संत भी शहीद करा ले असी अपनी कौम की करीम शहीद करा ली तो असी आपके कई काबिल पुलिस अफसर भी इस चीज़ खोए मैं यही कहता हिंदू वीर दियाँ भी जाना गई सारे का ही दुख है पर साड़ी प्राप्ति की है असी की प्राप्त किया ये तो सानू सिर जोड़ के बैठने की लोड़ है तो जिहड़ी बुढ़ी ठेरी लीडरशिप है इन्हों सू हम लत्तां मार के आपके मंजे इन्हों उठा देना चाहिए तो पंथ जिहड़ा नौजवान आप सामने। भाई सतपाल सिंह जी इस इंटरव्यू तो बाद तो महकमे के कुछ रिटायर्ड तो कुछ मौजूदा पुलिस अफसर के भी तुम फोन जरूर आए हो गए उन्होंने की सीगा विचार कि वाकया ही सतपाल सिंह तू सही किया गल करके कि जानू कोई हदायत सी भी तेनों अजे नहीं सी गल करनी चाहिए। नहीं जी नहीं सर जिन्हें कि मैंने आए उन्होंने वधिया अप्रीशिएट किया कहते भी पुलिस से भी दाग सी जी ये बड़ा वड्डा जी ये दाग मैं तो धोन की आपकी वर्दी तो भी धोन की कोशिश की साढ़े बच्चे सारे तो नहीं यह जे कोई एक दो छड़ के 90 चंगे है 10 जे माड़े हो गए तो फिर 90 भी मैं तो 90 का दाग धोता। मैं 13-14 IPS अफसर ड्यूटी की है मैं उन्होंने बहुत चंगी तरह जानता उन्होंने तो हूँ वरिंदर कुमार जी ने PK राय साहब ने मैं नाम ही लगा बड़े ईमानदार अफसर ने उन्होंने कमर विजय प्रताप सिंह भी सी LK यादव साहब सके बहुत वधिया अफसर रहे साढ़े को नहीं गल कोई अफसर की कोई कमी की घाट है ज उन्होंने काबिलियत की घाट है हाँ साढ़े लीडर घाट जरूर रही है भी जो कि उन्होंने काम नहीं कर दिता जाता ये मैं अज भी बेबाक बोलदा साढ़े अफसर के वर्दी च कोई कमी नहीं जिथे कित खून की लड़ पई इस वर्दी ने आपका खून भी दिता जिथे लड़ पई कि अपना आप भी वार दिता पर इतने थोड़ा जहा कंसैप्ट उल्ट हो गया जी असी सहु चकते हैं सूँ यही दसया जाता भी आपके लोगों की खातर आपकी जनता की खातर तुम अपना खून डोलना तो उन्होंने बचाने की खातर आपकी जान तक दे दौ तो तुम सफल हो पर इतने थोड़ा जहा उल्ट हो गया साढ़े ही बच्चे से साढ़े ही भैन भरा इतने बैठे से मैं एक बंद ने सवाल भी किया भी उत्थे जो ये गल हुई है पुलिस की मजबूरी से मैं क्या जी वो कि साढ़े कोई अगों मुकाबला कर रहे थे वह कड़छियां तो बाल्टियां लेके उसे लंगर वरता रहे हूँ कड़छी जो गोली नहीं चलती कोई बाल्टी जो बंब नहीं चलता ठीक है कोई गोली चलाने वाली तो एड्डी कोई गल नहीं सी हैगी तो इनू सुलझाया जा सकता सी टेबल टॉक भी हो सकती हर मुद्दे पर होंगी है करनी चाहिए सी पर दुख तो इतने यही हों ना भी जो डेरा प्रेमिया के धरने वेले साढ़े पुलिस अफसर के सट्टा भी लग जा SHO वाघा पुराना है उदो प्रताप सिंह उन्होंने भी लगी था उस वेले तो कोई गोली नहीं चलाई गई जिते लोड़ सी तो इतने तक कोई वह किसी पुलिस से गाली नहीं पे साढ़े किसी ने उन्होंने सानू माड़ी नहीं की सानू तो उल्टा लंगर भी छकाउंदे रहे ने साडी कौम दा फितरती है जे असीं सारीयां वीडियोज़ वेखियां ने कि पुलिस वाले लंगर छक रहे उत्थे बैठे साडी बात किस्मती है भी असीं जिन्हां ने सानू लंगर छकाया असीं उन्हां दी गोलियां चला दित्तियां। अच्छा एक गल आपां दे नोटिस च आई सी भी तुसीं उस समय उत्थे तैनात सी ते एक फिल्म रिलीज़ होई सीगी उदो शायद एक फिल्म उन्हां दी रिलीज़ होई सरसे वाले साहब दी उस पोस्टर की राखी कर ली थी ड्यूटी लाई सी। हाँ जी मैं 2013 दे विच सदर मोगे पोस्टड सी। अच्छा जी ते मेरी जेल दे विच पिंड पैंदा सी थल्ले के। अच्छा जी उत्थे जदों ये फिल्म रिलीज होंदी है 5 पोस्टर लगदे आ। अच्छा उस पिंड दे विच। अच्छा जी और उस वेले दसंबर ते जनवरी दा महीना सी इन्नी ज़्यादा ठंड ते दो साडियां गड्डियां एक प्राइवेट गड्डी मेरी एक सरकारी PAP के बेचारे असी मुलाजम कोई जलंधरों कोई कपूरथले तो इतने बुलाए हुए थे पोस्टर की राखी करने वास्ते मतलब देखो भी मेरी हुण तुसी फोटो ला दिती उत्थे तो कोई रोड़ा मार जाए कोई मैं कहड़ा कोई ये कोई साडा कोई गुरु तो है नहीं सीगा सच्चे सौदे वाला कि साडा भी बहुत वड्डा रहबर सी तस्वीर सीगी उहदी जे सरकार उस वेले दे साडा गृह डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा उहदी पोस्टर की राखी वास्ते 20-20 बंदे पुलिस दे ला सकदा
तो जो रोड़ा वजह 295 का मुकदमा दर्ज हो गया तो मुंडे अरैसट भी किए गए उत्थे। अच्छा ठीक है जी। तो फिर ये तो साडा गुरु सी, साडा तो मैं उस दिन भी कहा भी साडा तो जमण तो लैके जिस दिन असी माता के गर्भ चो बाहर आने हैं। बादल सरकार दे टाइम दी गल है, बादल सरकार दे टाइम दी गल जी। बड़ी इन्हां दी ओह रोल जिहड़ा हैगा ओह बहुत माड़ा रहा, खास करके सुखबीर सिंह बादल दा। पता नहीं वो मन के इन्हां प्रेमियों के प्रति की एड्डी वड्डी शरदा सीगी भी जिहड़ा वह आपदी कौम का ही दुश्मन बन के बैठ गया। तो साडा उहदे विच बहुत वड्डा नुकसान होया। साडे कोल 25-25, 30-30 मिसलां हुंदियां जी। वो हुण जदों रात नूं सारी रात उत्थे ड्यूटी करनी, दिने फिर आपदी नींद भी पूरी करनी, होर भी आपदे महकमे के घर के भी कार विहार होंदे आ, महकमे के भी होंदे आ, उहदे विच साडियां सर्विसां तक मुलाजमां दीआं कट्टियां गईआं। सानूं बहुत वड्डा लॉस होया जदों असीं उहनां नूं सही समें ते चलान नहीं दे सके, आपदी तफ्तीशां नहीं पूरियां कर सके, तो लिहाज साडे नाल फिर कोई नहीं किया जाता। यह आ भी उदों मन दुखी हुंदा भी कि असीं एक कागज़ ते छपी हुई तस्वीर आ ते असीं 20-20 मुलाजम असी वो तस्वीर की राखी करते फिरते, शर्म आती सी आपदे आप। तुसी गल सुन के हैरान तो जरूर होए होवोगे कि बादल सरकार वेले 2013 दे विच फिल्म दे पोस्टर की राखी लई इन्हां नूं तैनात किया जाता। उत्थे कुछ नौजवान उस पोस्टर के उत्ते रोड़े मारते हैं, उन्हां नूं गिरफ्तार करके धारा 295 के तहत केस पा के जेल भेज दिता जाता। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बेअदबी हुंदी है ते कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तुसी की कह सकते हो? कुछ लोग कह देंगे ने कि शायद वैसे ही ये बादल परिवार नाल को खार खाते ने या इन्हों के मन च को गल आ, कोई ऐसी गल नहीं। तो इन्हों तो पंथ के सरमौर बनाया सी, पंथ ही ये गल समझी जाती सी। आम साडे बजुर्ग अजे भी कहते पंथ नूं बादल परिवार नूं ही पंथ समझिया जाता सी, पर इन्हां वो सत्कार अपना आप गवा लिया। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, उस तो पहला नशियां की गल हुई, होर कई इन्होंने आप हुदरियां कीतियां SGPC के मामले के कई कुछ करते रहे, तो ये अपना इन्हां ने स्थान आप गवाया। सिख पंथ दीआं नज़रां दे विच्चों ये आप डिगे ने, ना कि इन्हां नूं सुट्टिया गया। जे अपनी फर्ज जिहड़े आ गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति इमानदारी नाल निभाए होंदे तो अज आ दुरदशा ना होंदी। होर कोई ऐसी गल जी सरदार सतपाल सिंह जी तुसी करनी चाहते हो? मैं इन्हां दी निंदिया तां करां जी, मैं कदों कोई इलैक्शन लड़ना होवे जां मैनूं कोई वोटां चाहीदियां होण फिर तां मैं मन्ना। मैं तो कांग्रेस सरकार वेले भी कहना भी जिहड़ा उन्होंने वादा किया उन्होंने भी नहीं पूरा किया, उही कर जाते। ठीक है जी। दूसरी गल ये मैं हूँ तुम ये जो इंटरव्यू किसी अकाली लीडर ने देखी, उन्होंने भी असं तो एवं पंथ इन्होंने कही आने भी तो मोगा रैली जो होगी इन्होंने कन्वेंशन हुई है मोगे की, भी ये तो वो साड़ी जी पंजाबी पार्टी बन चुकी थी 1996 तो उन्होंने भी पंथ तो फिर कोई संबंध तो रह नहीं गया, हूँ इन्होंने पंथ का चेता आ गया जी। तो मैं बीबी कमलजीत कौर में एक अपील करदा भी बीबी जी तुहाडा सत्कार बहुत आ सिख कौम दे विच, नौजवानी भी सत्कार करती है, तो तुसीं भाई राजवाणा साहब नूं भी बेनती करो भी साडे नालों भाई राजवाणा दे नालों गुरु भाई राजवाणा गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डे नहीं गए। मैं भी वड्डा नहीं गा गुरु ग्रंथ साहब तो, कोई भी नहीं जी, कोई भी नहीं। तो जे तुसीं अज इह जी इक उच्चा इन्हां दे नाल रल के चल रहे हो तो थोड़ा जिहा ध्यान पहला फिर इधर बहबल वल देख लो भी इत्थे की इन्होंने कराया, तो की इन्होंने उदू पहला जिहड़े साडे प्रेमियां दे धरने लगे आ। मैं यही यही बेनती संगत नूं वार वार करदा भी दो मापदंड क्यों, मेरा ये सवाल आ भी वाहगे पुराने बस साड़ी जाती है प्रेमियों वालों, नंगा नाच नचया जाता SHO जख्मी हुंदा वाहगा पुराना, उत्थे तक डंडा तक भी नहीं मारा जाता। ठीक है जी। इत्थे कि एडी आफत आ गई भी जिहड़े गोलियां मार के असीं दो मुंडे आपदे मार दिते, वह बजुर्ग बैठे ने, मैं मेरियां अखां भरियां उन्हां नूं देख के भी एक आपका गभरू नौजवान पुत, चलो मैं कहना भी टीके ला के भी नौजवान मरी जाते आने आईया मौत, वो तो फिर चलो कौम का साडा शहीद ऐसी मन लिया। तो दुख चल इस गल का भी सिद्धू मूसे वाला मुंडा वो गया, ठीक है जी, दुख है सानू उदा माँ प्यो का कला पुत सीगा, उत्थे घट्टो घट 2-3 लाख नौजवान पहुँचा, इतने साढ़े गुरु का कंसैप्ट इतने इतनी 8 बंदे भी नहीं पहुँच रहे। मेरी नौजवानी नू हाथ बन के अपील है, साडे रोल मॉडल ये चलो साडे सिंगर ने असी उन्हां दी सत्कार करदे हां, साडे रोल मॉडल ने साहिबजादे बाबा जहार सिंह, बाबा जीत सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, साडा रोल मॉडल है हरी सिंह नलूगा। ठीक है जी। साडे रोल मॉडल ने, मैं अकाल तख्त जथेदार साहब नू भी बेनती करदा, मैं तो बहुत छोटा हाँ, वो तो बहुत वड्डी धार्मिक हस्ती आ, जे अकाली फूला सिंह दी अज असी इतिहास पढ़ते हाँ तो जे असी अज उन्हां दा नाम लैने आ ना ये साड़ी सीना चौड़ा हुंदा भी साड़ी कौम कोले इहो जिहे जरनैल सी, मुगलों वेले भी किसी की जरूरत नहीं सी उन्हां वल झाक जाण, अंग्रेजों वेले किसी अकाल तख्त साहब के जथेदार के खिलाफ बोल जाण किसी की जरूरत नहीं पई,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਛਾਣੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੋ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜ ਗਏ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਿੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੈਸੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾਬ ਸੀਗਾ, ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਈ ਆ, ਰੁੱਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਵਰਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਦੱਬੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਛਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਨੀ ਉੱਚਾਈ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਉੱਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਐਮ ਐਲ ਏ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਨਿਵਾਜ ਦੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਇਆ, ਪਰਚੇ ਖਾਰਜ ਕਰਾਤੇ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਸੀ ਮੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਂਡਲ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਨੌਬੀਅਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਗਾੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਭੂਆ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਵੇਖੋ, 100 ਬੇਗਨਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ 1 ਗੁਨਾਹਗਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੇਗਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, 1 ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
और एक गल सतसंग जी तुहाडे नाल होर सांझी करदे आ कि भाई गुर अपना सरदार सतपाल सिंह जी ऐसे फर्ज शनास ते ईमानदार अफसर सन कि इन्हां ने एक जाली पासपोर्टां दे मामले दे विच 81 बंदियां नूं सज़ा करवा दित्ती सी जिहदे विच PCS ते IAS अफसर भी सी और वो ऐसा खतरनाक केस सी जिहदे लई बड़ा कुछ इन्हां नूं झलना पिया पर इंसाफ ते डटे रहे भई उस केस बारे थोड़ी जी गल सांझी करो जी बहुत वो भी काबिले तारीफ काम सी तुहाडा वो बहुत लंबा विषय जी वो फिर आप वक्रा रख लाँगे वो क्योंकि हाँ ब्रीफ के भी मोगे कई जाली पासपोर्ट बनी सी उत्थे की होंगे भी कई बार जो ट्रैवल एजेंट ना ये बच्चों को गुमराह कर जाते हैं भी जो तुम कित बहरले मुल्क चले गए तो आपका पासपोर्ट पाड़ के सीट दौ उ फिर की होंगे जो सिटीजन वगैरह बेचारा मिलनी होंगी है पासपोर्ट की लड़ पासपोर्ट की कापी चाहिए होंगी चाहिए तो कापी होंगी भी तुम किस मुल्क चो कदों आए हो वो टाइम पीरियड उन्हों का हो जाता भी मान लो भी मैं 2002 च आया जी 2022 आ गया मैं 20 साल इतने रेंदे ये फिर की करते हैं जी उन्होंने यह जे चक्कर व्यू च पा लेंगे भी पासपोर्ट तो असी तुहाडा बना देंगे जी ये तो 6-6 लाख रुपया भी जाली पासपोर्ट का लिया गया मतलब बंदा विदेश आ पासपोर्ट वह इतने बन रहा जी 6-6 लाख रुपया भी उन्होंने वसूलिया गया अच्छा वो की होया जी एक कोई परिवार सगा उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज होया तो वो जो सा मुलाजम तो कुछ ट्रैवल एजेंट से इन्होंने एक लड़की उस फैमिली के फिट कर दिता भी वो लड़की जगराऊं डिस्ट्रिक्ट की सी उन्होंने मोगा डिस्ट्रिक्ट किसी परिवार के पा दिता जो कि लड़की जगराऊं की सी उस परिवार ने उन्होंने कोई मतलब नहीं सी उन्होंने वो कहा भी तुहानू PCC ते पासपोर्ट आ जिहड़ा असीं देवांगे तुहाडे मुकदमे का शो नहीं करदे भी तुसीं साडी इक आ लड़की है ये विच कढ दिओ वो लड़की बेचारी उहदी मां भी मरी हुई सी प्यो दा बेचारा मैंटली अपसैट सीगा उहदे 2-2.5 किले बका ही दिते जी इन्होंने एजेंटा ने तो साढ़े पुलिस अफसर ने उहदे विच इक नैटवर्क बहुत वड्डा सी पासपोर्ट दफ्तर तो लैके जन्म ते मौत वाले स्कूल जिहड़े एजुकेशन सर्टिफिकेट जारी हुंदे आ उहनां दे विच बंदे साढ़े पुलिस मुलाजम जिहड़े उत्थे ही बैठे इनकुआरी करके वापस भेज दिंदे सी उस तों बाद पासपोर्ट डाकखाने आउणा उस डाकखाने दे अधिकारी भी हुण गलत एड्रैस ते पासपोर्ट डिलीवर ही नहीं हुंदा ठीक है जी हुण बंदा गुरदासपुर दा बंदा घूमण आउंदा है उहदा पासपोर्ट दोनों के डिलीवर हो रहा ठीक है मतलब एक बहुत वड्डा गोरख धंधा सी मैं रिक्वेस्ट भी उस वेले SSP साहब नूं कीती भी हुण इत्थे आउंदी एक चंगे अफसर की गल मैं कहा सर भी इन्हां दा नैटवर्क बहुत तगड़ा तो भी मैनूं तुसीं ना इस चीज़ फसाओ मैनूं कहिंदे भी नहीं तू तकड़ा हो LK यादव साहब उस वेले फरीदकोट दे SSP सी उहनां कोल साडे मोगे दा एडिशन इंचार्ज सी मन दे भी मैं तेरे पिछे खड़ा तुसीं फिर यकीन मन्नियो जी 17,000 दे करीब साडा डिफरेंस निकल गया 1995 तो लैके 2008 तक 17,000 जाली पासपोर्ट सी ते उहदे विच ही साडे DGP साहब उदों मोगे वाले जिहड़े परमदीप सिंह गिल सीगे इन्हां दे भी फादर दा ते 6 बंदे होर उहनां दे नाल 1991 च उहनां दा मर्डर होया सीगा सिटिंग MLA सी मोगे दे उस वेले उस केस दे विचों ही ओह केस भी ट्रेस हो गया भी वह बंदे जिहड़े उत्थों जाली पासपोर्ट बना के निकले सीगे क्योंकि उन्होंने LOC जारी होए हुए सीगे ते एक बहुत लंबा चौड़ा यह कि वक्री विषय से आप कर लेंगे ये पहले चलान दे विच मैं 81 बंदे सज़ा कराए आ जिन्हां दे विच साडे पुलिस अफसर के वड्डे वड्डे रिश्तेदार से जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड करनल जिन्हां दे चंडीगढ़ ऑफिस सी ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਕੁਝ PCS IAS ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ RPO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ PCS ਅਫਸਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ PCS ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ वो कुछ भी नहीं कर पाँगा तो फिर वो यही करेगा ना भी फिर त्याग दूगा उस वर्दी में भी फिर जे मैं गुरु साहब भी नहीं कुछ कर सकिया तो मैं बाकी जिन्हें मर्जी वड़े वड़े केस सॉल्व किए हो जिमें तुसी क्या कि शायद 31 तुसी ब्लाइंड मर्डर केस जेडे ट्रेस किए हाँ जी किए उन्होंने भी उन्होंने कई रेप वाले केस से होर सी इस तरह के अच्छा चलो जो मेहनत करनी है फिर तो कोई वही गल नहीं होगी इतने 18-18 साल बंद पिसल ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਇਹ ਇਹ ਚਲੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ मतलब अगर तुहानू साध संगत एक टीम के रूप से जां तुसी एक टीम रिटायर्ड पुलिस अफसर की लेंदे हो पर उहदे विच कुछ चीज़ा होंदियां जिहड़ियां सिर्फ सरकारी महकमे च होंदियां ही प्रोवाइड आ भी जिवें तुसी फोन कॉल रिकॉर्डिंग लैनी आ या कुछ नंबर ट्रेस कराउणे आ उह ते तुहानू सरकारी तौर ते मिलणगियां। हाँ जी उह चीज़ां च ते मुश्किल आ सकदी आ पर किते ना किते अज्ज वी तुसी सच सामणे लिआउण दे समर्थ हो। देखो पक्कू का साहब विच दो गल्लां हैं जिहड़ी पीड़त धिरा उह बैठी आ ठीक है जी ते जिहड़ी करन वाली धिर च असीं मैं खड़ा ठीक है तो रौला कितने फिर क्लीयर फिर तो क्लीयर ही रौला कितने जिन्होंने गोलियां बजियां आ बैठे ने जिन्होंने मारियां वो तुम समझते हो भी असी हाँ पुलिस वाले हाँ। हाँ जी गल फिर यदा मतलब जान बुझ के सच न दबाया गया तुसी मैं हम थोनू सुखराज ने भी शायद दसिया भी जोड़ा चलान जो टू कोट हो जाता तो बड़े हम बड़े बड़े वकील आए 173 CRPC के तहत जो चलान दिता जाता उन्होंने सरकारी वकील पहला कला कला अखर चेक करता जस उस तो बाद इतराज लाउंदा उहदे च इक ऐ नहीं हो जांदा भी यही लै गए तो उन्होंने फड़िया ते गांह फड़ाता जी ठीक है जी कला कला अखर सरकारी वकील पढ़ता फिर उहदे ते इतराज लगदे आ क्योंकि साडा चलो उन्ना लाओ थोड़ा जिहा जिन्ना उह साडे नालों ज़्यादा पढ़े लिखे होंदे इस चीज़ च कानून दीआं बरीकियां ज़्यादा जाणदे ने वो फिर उहदे च इतराज लाउंदे आ इतराज तो बाद असीं फिर उहदी इतराजां दी पूर्ति करदे आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੜਨਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ 302 ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਰ DA ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ DA ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ DA ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਨ 2 ਕੋਟ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਚਲਾਨ 2 ਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤੇ उस तो बाद चलो वह अदालत को नहीं लगता भी ये पक्ष जिहड़ा हैगा क्योंकि जजां दे दिमाग उदू वड्डे हुंदे साडे तो वह केस नूं बरी कर सकते सज़ा कर सकते फिर दोनों धिरां दे कोले एक ये अधिकार हुंदा भी जे वह सज़ा हो गया बंदे वह भी हाई कोर्ट चाहती जा सकते उहदे वकील लैके जे बरी होया पीड़ित धिर भी जा सकती है खुले ने इस गल पे तो ये तो कोई एड्डी वड्डी तो जो चलान 2 कोट रह गया हाई कोर्ट का तो मैटर ही नहीं फिर रह जाता कोई फिर चलान ही डिसमिस कर देना फिर चलान के नाल तो फिर जो लैन वाले आते जो चेक करने वाले फिर वो भी डिसमिस होने चाहिए। अच्छा यदा मतलब कि जे जिहड़ा चलान डिसमिस हुंदा उहनूं उत्थे पेश करन वाले एक्सैप्ट करन वाले वह भी डिसमिस किए जाने चाहिए टिप्पणी तो उन्होंने करनी चाहिए सी ना हुण दो जज ने एक हाई कोर्ट साहब मानयोग हाई कोर्ट साहब के जज ने एक सैशन कोर्ट के जज बैठे ने हुण वह लै रहे ने सारा वाच के सरकारी वकील ने इतराज टिप्पणियों तो पूर्ति तो बाद जो चलान 2 कोर्ट होंगे उत्थे फिर प्रोसैस जी पुलिस फाइल है कोर्ट के कोर्ट केस बन जाती है फिर हम ये दसो भी हम लैन वाला गलत है मतलब उत्थे पुलिस की भूमिका खत्म हो गई हुण जज ते दोषियों के गल आ भी अगर वो दोषी साबित हो जाते उन्होंने सज़ा मिलेगी नहीं तो बरी हो जाए हम दो चीज़ों के इवें है भी मैं मान लो कि जुर्म किया मदई हो दोनों तो रही ना आप जे मैं बरी होना तो तुम गलत हो जे मैं सज़ा होना तुम सही हो हूँ जो फिर चलान लैन वाली धिर गलत फिर जी डिसमिस करने वाली धिर गलत बड़ी वड्डी गल की आ ये कानूनी बरीकियां ने जेडे कानूनी माहर ने वो ये उत्ते जरूर कमेंट करनगे असीं उम्मीद करते हैं कि जरूर क्योंकि बड़े होर भी तलक सच्चाइया ने जिहड़ियां सरदार सतपाल सिंह जी अपने अंदर समोई बैठे ने समा ब समा इन्हां दे नाल गलबात करते रहेंगे और तुसी सतगुरु जी के चरणा च अरदास करियो कि गुरु साहब जी के बेअदबी के मामले के विच सानू इंसाफ मिले और भाई सुखराज सिंह जी भाई साधु सिंह जी हुणी बैठे ने कई लगभग 184 दिनों तो उन्होंने भी सतगुरु जी जिहड़ा वा उह सफलता बख्शन ते दोषियों नू जिहड़ी सजावां मिलन बहुत मेहरबानी जी वीडियो नू वध तों वध शेयर करियो तुहाडे कमेंट साडे लई बहुत वैल्यूएबल ने जरूर कमेंट करियो जी बहुत बहुत धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। फिर दोबारा अपील है जी यही हाँ जी भी पंजाब दे विच वसन वाले लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब के सांझे हर एक बंदे नूं गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब हर एक भगत नूं सत्कारयोग जगह दित्ती गई है
जिहड़े साडा होर भाईचारा जो सा हिंदू भाईचारा साडा मुसलमान भाईचारा साडा ईसाई भाईचारा किसी होर भी उदासी संपर्दा निर्मल संपर्दा वो साडा इस मसले के उत्ते इस धरने का साथ देन ते समय समय से कोई नहीं अगे नीलियां पग्गां वालियां दा ते गोल गोल पग्गां वालियां दे किरदार भी नंगे होंदे जाणगे अगे अगे कोई नहीं कर देंगे। बहुत मेहरबानी जी, बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।